मैंने कहा था जरा सा बना है, पता भी मुझे कीमा कितना पसंद है, इतनी भूख लग रही है मुझे, मैं तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कुमार के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और सनसनी खेज होते हुए दिखाई देंगे। गाइस रयान से कहता है, आपको अपनी बीवी से इतना भी दब के नहीं रहना चाहिए था कि आप अपने वालदेन की तमाम तर दौलत को इस तरीके से बर्बाद करके जा रहे हैं। जवाब में रयान कहता है, दरअसल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई की काबिलियत को देख सकूँ, वो इस डूबते हुए बिजनेस को कितनी देर तक सहारा दे सकता है। फायद अपने भाई से कहता है, जो धोखा आपने अपने डैडी और मम्मी को दिया है, इसका आपको एक ना एक दिन जरूर अफसोस होगा, उसके बाद आप पछतावा करेंगे। बयान कहता है, वक्त आने पर पता चल जाएगा किसको पछतावा होगा और किसको मेरे जाने का दुख। में आप देखेंगे हरीम नासिर से कहती है, अब तो मेरी जान छोड़ दो, अब तो तुमने मुझे फायज की जिंदगी से निकाल कर दूर कर दिया है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, अब तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकती, तुम अच्छे से जानते हो इस बात को। जवाब में नासिर कहता है कि मुझे फायज की माँ ने तुम्हें तलाक दिलवाने का बहुत बड़ा मुआवजा दिया है, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो तुम बच सकती हो इस जलालत से, नहीं तो मेरे पास एक ऐसा राज है, जब वो राज फायज को पता चलेगा तो वो तुम्हें बिना सोचे समझे तलाक देने में देर नहीं करेगा। जवाब में हरीम कहती है, तुम एक जहन्नमी इंसान हो, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होना। जवाब में नासिर कहता है, इतना कुछ बोलो जिसका बाद में तुम्हें अफसोस न हो, क्योंकि तुम बाद में मुझसे भीख मांग रही होगी अपनी बेगुनाही के लिए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।